हेलो ग्रीनर्स, सबसे पहले तो मेरे सेकुलेंस वाले वीडियो को वन डे में 1K अप पहुंचाने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। तो आज फ्रेंड्स मैं आपसे कुछ ऐसे प्लांट्स की बात करूंगी जो कि बहुत ही नॉर्मल है, पर जरूरी नहीं है कि जो हमारे लिए नॉर्मल हो वो सबके लिए नॉर्मल हो। इस प्लांट्स के लिए कुछ क्वेरीज आई थी कि टर्टल वाइन, टेंगल हर्ट, वंडरिंग ज्यू, बेबी सन रोज, इसको कैसे लगाते हैं और विंटर में इसकी कैसे केयर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट्स जो है वो मॉइस्चर लविंग होते हैं, प्लस इसको ठंड भी पसंद है, गर्मी भी पसंद है, सब पसंद है। तो ये हर सीजन में लग जाते हैं, बस एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होता है वो आपको अवॉइड करना है। ये सारे प्लांट्स जो बता रही हूँ इसकी कटिंग भी अभी भी लग जाएगी, बस आप इसको जो है सनी लोकेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये सारे अच्छे से चलेंगे, ज़्यादा इसकी केयर नहीं करती हूँ। पर अगर आपने अभी अभी कटिंग ली है या आपने प्लांट्स खरीदा है तो उसकी केयर जो है वो वही होगी कि आपको लेस वाटरिंग करनी है और इसको अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में जो है वो सनलाइट प्रोवाइड करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन कौन से प्लांट है ये बता देती हूँ, फिर जिस प्लांट की क्वेरी है उसको कैसे लगाना है वो भी बता दूंगी। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स टर्टल वाइन। टर्टल वाइन जो है उसकी क्वेरी है वो मैं आपको कैसे लगानी है वो बाद में बताती हूँ। टेंगल हर्ट भी सेम वे है फ्रेंड्स। कॉलियस जो है फ्रेंड्स उसकी भी कटिंग जो है आपको हर सीजन में लगानी पड़ती है, तो कोई भी मोटी सी स्टैम्प वाली कटिंग हो वो आप ले लीजिए और इसको जो है नॉर्मल सॉइल, सैंड और कंपोज और थोड़ी सी गार्डन सॉइल उसमें मैंने लगाया है। इसको भी ज़्यादा फैंसी सॉइल नहीं चाहिए है। ये डेविल्स बैकबोन भी बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी भी कटिंग लगा दीजिए, वाइट सैप थोड़ा सा निकलेगा, नीचे से पत्तियाँ जो है रिमूव कर दीजिए, फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ड्राई रहने दीजिए, एक आध दिन तो हो जाएगा और फिर इसको भी सैंड और कंपोज में लगा दीजिए। जो है इसकी भी कटिंग जो है आप हर टाइम टू टाइम जो है लगाते रहिए, वरना ये स्पीसीज आपके पास ख़त्म हो जाएगी। इसकी हेल्दी कटिंग ले लीजिए, हेल्दी कटिंग लेने के बाद छोटी छोटी नीचे से निकाल दीजिए। इसको जो है सॉइल में बहुत डिग नहीं करना है आपको, सिर्फ इस तरह से इसको लगा देना है तो ये लग जाएगी। वाटरिंग जो है सिर्फ स्प्रे करें, बाद में जो है तीन चार दिन बाद भरपूर वाटरिंग करें और फुल सन में रखें। बास्केट प्लांट, बास्केट प्लांट भी फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी भी ऐसी छोटी छोटी जो है वो बास्केट नीचे लटकते रहते हैं, बस इसको रूट्स हो तो ठीक है, ना हो तो भी इसको आप जो है कोई भी सॉइल में डिग कर दीजिए। मैंने तो सिर्फ जो है गार्डन सॉइल ही ली है। बेबी सन रोज, बेबी सन रोज की भी फ्रेंड्स कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। छोटी कटिंग लीजिएगा, नीचे की जो स्टेम होती है, लीव्स होती है, उसको रिमूव कर दीजिएगा और उसको कैसे लगाना है ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। कलांचो फ्रेंड्स, फ्लावरिंग वाला जो कलांचो होता है, हाइब्रिड होता है, उसकी ऑलरेडी वीडियो है जो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर है ये देसी वाली वैरायटी, ये भी फ्लावरिंग वाली वैरायटी है, इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, ये बहुत ही हार्डी होती है। इसकी भी जो ओवरग्रोवन या लेगी ब्रांचेस है उसको कट कर दीजिए, नीचे से लीव्स रिमूव करके आपको वेल ड्रेन सॉइल में लगा देनी है। वेल ड्रेन सॉइल का मतलब होता है फ्रेंड्स 50% सैंड, 50% कंपोज, और अगर आप इसमें सॉइल भी ऐड करना चाहते हैं 25 कर दीजिए और 25 गार्डन सॉइल कर दीजिए। हैंगिंग में लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो 25% कोकोपीट कर दीजिए, 25% जो है परलाइट कर दीजिए, बाकी जो है वो कंपोज रखिए। आप अपने हिसाब से इसका रेशियो कर सकते हैं। ये सारे प्लांट्स काफ़ी हार्डी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये जो है फ्रेंड्स ये भी बहुत ही खूबसूरत कलांचो की वैरायटी है, ये भी मेरा रूट बाउंड हो गया है, ओवर ग्रोवन हो गया है, इसकी कटिंग भी आसानी से इस समय लग जाएगी, बस आपको वाटरिंग जो है लेस करनी है और फुल सन में रखना है। बोलिवियन जू, बोलिवियन जू जो है मेरी काफ़ी ख़राब और डैमेज हो गई है क्योंकि निगलेटेड रहा है ये प्लांट्स भी, पर इसकी जो है मैं इस तरह से छोटी छोटी जो है कटिंग लेकर फिर से लगा दूंगी, ये लग जाएगी। कैसे लगानी है, बिल्कुल पिंक लेडी की तरह लगानी है। पिंक लेडी भी इस सीज़न में लग जाएगी, बॉलीविन जू भी इस सीज़न में लग जाएगी, दोनों का मेथड जो है वो सेम रहेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पिलिया प्लांट, पिलिया पर ये मेरे एक गमले में ही लगा हुआ था तो निकाल दिया, देखिए इसकी रूट्स भी आ गई है। इसको भी नॉर्मल सॉइल में लगा दीजिए फ्रेंड्स, ये आसानी से लग जाएगी, फिर इसको जो है सनलाइट प्रोवाइड कीजिएगा। अल्टरनेंद्रा फ्रेंड्स, शायद मैं इसका नाम में मिस्टेक कर रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में नेम जो है वो बता दीजिएगा। इसको फुल सन में रखते हैं तो ये पिंक होता है, इसकी कटिंग्स भी आसानी से लग जाएगी, बस थोड़ी सी इस तरह से मोटी कटिंग्स जो है लीजिए, नीचे के लीव्स रिमूव करके इसको भी वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। मैंने इस
सब की मिट्टी जो है कोई फैंसी नहीं बनाई है, नॉर्मल मिट्टी में ही सारे लगे हैं। अरेबियन वैक्स आईवी, अरेबियन वैक्स आईवी जो है वो मेरी बहुत ऊपर लगी है और हैंगिंग में नहीं है, पर वायर से फिट किया है तो नीचे नहीं निकाल सकती, पिक साइड में दे दूंगी, सेम वे में वो भी लग जाएगी। बॉट लिली, फ्रेंड्स बॉट लिली जो है वो भी बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसकी भी दो तीन वैरायटीज आती है, ये भी निगलेटेड रहा है। देखिए इसकी जो है इस तरह से लेगी हो गया है क्योंकि इसको सनलाइट नहीं मिली है, नीचे की पत्तियां निकाल कर इसको भी आप सॉइल में डिग कर दीजिए, पर इसको सनलाइट दीजिएगा और थोड़ा बहुत पानी दीजिएगा क्योंकि अभी जो है हवाएं ठंडी चलती है तो सॉइल जो है जल्दी ड्राई हो जाती है तो पानी देना पड़ता है। सारे सैक्युलेंट्स की कटिंग्स जो है सीडम के साथ, सीडम या फिर रिची वेरियास की कटिंग्स जो है वो आसानी से लग जाएगी, आप वो सारे ट्राई कर सकते हैं। फिर है फ्रेंड्स कैक्टस, कैक्टस जो है उसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी, बस आप इसको जो है इस तरह से रिमूव कर दीजिए। ये मैंने इसमें पानी नहीं दिया है तो ऑलरेडी ड्राई है, पर आपने पानी दिया है तो दो तीन घंटे इसको ड्राई होने दीजिए और वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। ये फिशबोन कैक्टस है, ये भी देखिए मैंने कट किया है इस तरह से और इसको भी सेम सॉइल में लगा दीजिए ताकि प्लांट जो है वो थोड़ा बूशी लगे। तो इस तरह से सारे कैक्टस जो है वो भी लग जाएंगे, उसकी भी कटिंग्स लग जाएगी, पर मैं जो है कटिंग्स नहीं लगाऊंगी, मैंने जो है एक्स्ट्रा जो थी वो सारी की सारी कट कर दी है। इसकी इसमें ही कटिंग्स लगा देंगे तो भी चलेगा और नहीं लगाएंगे तो भी आप ओवरग्रोवन है उसको काट दीजिए, नीचे से जो है न्यू पब्स जो है इसके आते रहेंगे और इसको भी फुल सन में रखिए तभी इसका कॉम्पैक्ट शेप आएगा, वरना ये लेगी लेगी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कि कटिंग कैसे लगाती है। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बता देती हूँ कि कटिंग कैसे लगानी है। ये मेरी पुरानी सॉइल है पर इसमें गार्डन सॉइल है और सैंड है, थोड़ा सा कंपोस्ट जो है वो अभी आप ऐड कर दीजिए। अगर आप हैंगिंग में लगाना चाहते हैं तो सॉइल जो है उसको कम कर दीजिए, उसमें 25% जो है वो कोकोपीट ले लीजिए और 25% परलाइट ले लीजिए, सॉइल अच्छी सी बन जाएगी, ज़्यादा फैंसी सॉइल इसको नहीं चाहिए। सबसे पहले है फ्रेंड्स टैंगल हर्ट, टैंगल हर्ट है कोई भी कटिंग होगी फ्रेंड्स, जितनी आप छोटी कटिंग लेंगे उतना ही जल्दी ग्रो करेगी। इस तरह से छोटी छोटी कटिंग्स कर लीजिए और अगर आप इसको पहले से ही हैंग कराना चाहते हैं तो नीचे की पत्तियां निकाल दीजिए। ध्यान रखें कि एक या दो नोड्स जो है वो सॉइल के अंदर जाने चाहिए, तो इस तरह से इसको लगा दीजिए अलग अलग और ज्यादा बेहतर रहता है फ्रेंड्स कि आप जो है इसके एक आध दो नोड जो है कटिंग्स जो है 4 से 5 इंच की लीजिएगा। ये जो कटिंग है इसको आप सिंपली सॉइल में इसका एक सिरा जो है वो दबा दीजिए और बाकी को इस तरह से ऊपर रख दीजिए। यहाँ पर जितने भी नोड्स हैं यहाँ सब में रूट्स आ जाएगी और न्यू शूट्स निकलेगी तो अपने आप ये ट्रेल करेगी। सेम वे फ्रेंड्स आपको टर्टल वाइन भी लगानी है, देखिए इस तरह से भी लगा सकते हैं। मैं जल्दी कर रही हूँ ताकि वीडियो फिर लंबा ना हो। इसको जो है आप ज्यादा अच्छा रहेगा अगर इस तरह से बंच बना ले और बंचिस में इस तरह से लगा दे, सिंगल भी लगा सकते हैं जैसे टर्टल वाइन और टैंगल हर्ट लगाई है। फ्रेंड इसको वाटरिंग कैसे करनी है, जब आप लगाते हैं तो पहले सॉइल में थोड़ा इस तरह से डाल देंगे तो भी चलेगा, लगाने के बाद जो है इस तरह से थोड़ा जो है पानी हमें स्प्रिंकल कर देना है। अब जो है इसको सेमी शेड में रखना है या तो फिर किसी प्लांट या पेड़ हमारा हो जहाँ छनकर धूप आती हो वहां इसको 2 दिन रखे, उसके बाद जो है इसको फुल सन में प्लेस कर देना है। शेड में ये नहीं चलेंगे फ्रेंड्स क्योंकि सैक्युलेंट्स है, इसको थोड़ी वार्मथ भी चाहिए और ह्यूमिडिटी भी चाहिए, तो इसको जो है फिर फुल सन में प्लेस कीजिए। फुल सन में, ये मेरा फुल सन में ही पड़ा है वॉल्व के ऊपर,
पर फिर भी इसको धूप कम है। जितनी आप इसको धूप देंगे इसका शेप जो है वो कॉम्पैक्ट आएगा और कलर भी निखर कर आएगा। फिर जो है 2 या 3 दिन ही आपको इसे छन कर धूप आए वहां रखना है। फिर जो है आप इसको फुल सन में रखेंगे और जब तक आप इसको सेमी शेड में रखेंगे सिर्फ वाटर स्प्रिंकल ही करेंगे। और फुल सन में रखेंगे तो मैं अपने ये जो प्लांट सारे फुल सन में पड़े उसको हर तीसरे दिन वाटरिंग करती हूँ। तो तीसरे दिन फिर आपको जो है अच्छे से इस तरह से वाटरिंग कर देनी है ताकि पानी जो है वो ड्रेनेज होल से निकल जाए। होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। हैप्पी गार्डनिंग।